जी, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन सी द ऑर्डर सी द ऑर्डर ऑफ द सेट्स ऑफ द सेट्स इन विच वी डू इन विच वी डू द ऑपरेशन डू द ऑपरेशन डज नॉट चेंज एंड डज नॉट द डज नॉट द चेंज रिजल्ट चेंज रिजल्ट। जी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिए होती है और इंटरसेक्शन के लिए भी होती है। इसमें ऑर्डर होते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के, ऐसे ऑर्डर जिसके हम जो है रिजल्ट जो है रिजल्ट वो चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि उनके जो रिजल्ट आएंगे वो जिस सेम ही आएंगे। एग्जाम्पल तौर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए यूनियन बी और इक्वल में, अब हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। अब बी जो है पहले रखेंगे, बी यूनियन ए। अब हमने इसके ऑर्डर्स चेंज किए, लेकिन लेकिन जो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो सेम ही निकलेगा, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ऑर्डर तो हमने चेंज किए लेकिन इसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। और अगर हम इंटरसेक्शन पे आए तो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, तो ये भी ऑर्डर चेंज है लेकिन इनका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 2 3। तो पहले हम ए यूनियन बी, बी यूनियन ए करेंगे ये प्रॉपर्टी। अब ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी यानी ये जो है लेफ्ट हैंड साइड, इस ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं 2 3। अब यूनियन में क्या होता है कि दोनों एलिमेंट्स जो हैं हम एक बार लिखते हैं मिला के तरतीब में 1 2 3 और यही रिजल्ट है। उसके बाद हम बी यूनियन ए करेंगे। अब बी यूनियन ए का रिजल्ट कैसे आएगा? बी यूनियन ए, बी का बी के एलिमेंट्स फर्स्ट लिखेंगे 2 3 और यूनियन ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3। अब बी यूनियन ए क्या आ जाएगा? यहाँ से 1 रखेंगे ऑर्डर में रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे और ये 3 रखेंगे। तो ये देखिए ऑर्डर तो हमने चेंज किया लेकिन इसका जो रिजल्ट निकला
रिजल्ट जो हुआ वो चेंज नहीं आया। तो ये हमारी थी आज की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।